जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है छिलमिल और आज का हमारा बर्निंग इशू का टॉपिक है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है और इसके कॉर्पोरेटाइजेशन करने में यानी गवर्नमेंट का पूरा होल्ड इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ऊपर आने में क्या नुकसान है, क्यों जो है जो एम्प्लॉयर्स है जो ट्रेड यूनियंस है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि सेंटर्स मूव टू कॉर्पोरेटाइज द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हैज़ बीन स्ट्रॉन्गली अपोज्ड बाय द ट्रेड यूनियंस। जो ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने अपोजिशन जताया है जो ये सेंटर का डिसीजन है टू कॉर्पोरेटाइज द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। कॉर्पोरेटाइज कैसे कर सकते हैं, कॉर्पोरेटाइज करने का क्या नुकसान है, क्यों ये लोग अपोजिशन मतलब हड़ताल कर रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस सेंटर के मूव का, ये भी हम लोग लेटर के स्लाइड्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एक बोर्ड है जहाँ पे हम लोग का जो डिफेंस रिलेटेड सामान है वो बनाया जाता है, चाहे वो गन्स हो, आर्टिलरीज हो, वो हर क्षेत्र में हो, चाहे नेवल हो, एयरफोर्स हो, यहाँ पे जो आर्टिलरीज इस्तेमाल की जाती है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड उस बोर्ड के अंदर संचालित किया जाता है। It is an umbrella body for the ordnance factories and related institutions and is currently a subordinate office of the Ministry of Defence. तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये डिफेंस रिलेटेड सामान ही प्रोड्यूस करती है, उसका जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है वो करती है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या है, बेसिकली एक अम्ब्रेला बॉडी है जो डिफेंस रिलेटेड सामान है जो हमारे हिंदुस्तान में बनाई जाती है, जैसे कि DRDO में बनाया जाता है, उस चीज़ का एक अम्ब्रेला बॉडी, ये सारे DRDO और दो तीन जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है उन सब का मिला हुआ संगठित बॉडी है, दैट इज़ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। और जो कि इसका प्रमुख एम है कि डिफेंस रिलेटेड सामान जो है वो बनाया जाए, और इसका मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है तो ये तो नहीं आएगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। So the first Indian ordnance factory was set up in the year 1712 by the Dutch company as a gunpowder factory, West Bengal. तो हाल ही में प्रेजेंटली एट प्रेजेंट सिनेरियो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ ऑल्सो इन कोलकाता, एंड कोइंसिडेंटली कहूँ या कुछ भी कहूँ जो पहला ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना था दैट वाज अंडर द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट वाज इन 1712, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता, दैट वाज बेसिकली अ गन पाउडर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उस कंपनी में वो बेसिकली नॉट राइफल्स वगैरह नहीं बनाती थी, वो गन पाउडर मैन्युफैक्चर करती थी और वो भी वेस्ट बंगाल में ही थी, ठीक है, और वो बनाया गया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ मतलब उनके अंदर में, जब वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहाँ पे पोर्टुगेज थी, डच थी, फ्रेंच थी, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही पहला जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था वो बनाया गया था, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हेडक्वार्टर है प्रेजेंट सिनेरियो में कोलकाता में, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अ मेजर चंक ऑफ द वेपन एम्यूनेशन एंड सप्लाईज फॉर नॉट जस्ट आर्म फोर्सेज बट ऑल्सो पैरामिलिट्री एंड P7 फोर्सेज कम्स फ्रॉम द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड रन फैक्ट्रीज। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या है, बेसिकली एक बोर्ड है, बोर्ड मतलब एक अम्ब्रेला सेंटर, मैं इसको सिंपल सी टर्म्स में समझाती हूँ। जैसे कि हमारे ऑफिसेज में होता है, लोअर लेवल से हायर लेवल होता है, जनरली PSU है गवर्नमेंट ऑफिस में, एक होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, उसके बाद होता है रीजनल ऑफिस, और सबसे ऊपर होता है जोनल ऑफिस, एंड देन होता है हेडक्वार्टर। तो आप इसको समझ लीजिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वो एक हेडक्वार्टर है, इसके अंदर ही सारे रूल्स, रेगुलेशन, सर्कुलर जो है वो यहीं से चलाए जाते हैं, यहीं से आपका रीजन बेस्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो है वो संचालित किया जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हमारे देश के लिए, क्योंकि मेजर चंक ऑफ द वेपन, चाहे वो एम्यूनेशंस हो, चाहे वो आर्टिलरीज हो, गन्स हो, गन पाउडर हो, वो सब कुछ जो हमारे यहाँ पे हमारे देश में बनाया जाता है, DRDO में हो या किधर भी हो, दैट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड।
Production includes civilian and military grade arms and ammunition, explosive propellants and chemicals for missile system, military vehicles, armored vehicles, optical devices, parachutes, support equipments, troop clothing and general store items. यहाँ पे ordnance factories जो है बहुत सारे you know military या defense में use करने वाला सामान जो है वो बनाती है, चाहे वो parachute हो या फिर जो सिविलियंस के लिए यूज़ करने वाले सामान भी बनाते हैं. लेकिन जनरली ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो होती है वो मिलिट्री में यूज़ करने वाला सामान, चाहे वो एयरक्राफ्ट में हो, उसके बाद नेवल शिप्स में हो, उसमें यूज़ करने वाला सामान, प्रोपेलेंट रॉकेट में यूज़ करने वाला सामान जो होता है, जो फ्यूल्स होते हैं, वो सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया जाता है. रॉकेट में कोई इंजन बनाया जा, तो उस तरह का जो सामान है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनाया जाता है. कोई टैंक हो, कोई गन पाउडर हो, गन हो, आर्टिलरीज हो, ये सब बेसिकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनाया जाता है. आप आए दिन सुनते रहते हो डीआरडीओ ने आज ये बनाया, डीआरडीओ ने कल वो बनाया. तो डीआरडीओ वगैरह जो है वो एक बोर्ड के अंदर आता है, दैट इज़ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसके कॉर्पोरेटाइजेशन की बात अभी हाल ही में चल रही है. तो अब हम देखेंगे कॉर्पोरेटाइजेशन क्या होता है. In September 2020, an empowered group of ministers for corporatization was constituted under the chairmanship of defense minister. जाहिर सी बात है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर होता है, तो इसीलिए ये डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने कुछ मेंबर्स के साथ मिलके एक कमेटी का संगठन किया जिसका नाम था एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू डिसाइड कि इधर इसको कॉर्पोरेटाइज करना चाहिए. कॉर्पोरेटाइज बेसिकली क्या होता है? कॉर्पोरेटाइज करने का मतलब ये है कि इसका जो होल्ड है वो सरकार पूरी तरह से लेगी. जनरली 50% से ज़्यादा अगर होल्ड होता है, शेयर अगर होता है किसी भी पीएसयू का सरकार के पास, तो वो कंपनी ज़्यादा सरकार की हो जाती है, दैट इज डिक्लेयर्ड एज अ पीएसयू. तो यहाँ पे सरकार कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब क्या होता है, सरकार अपने होल्ड जो है ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पे पूरी तरह से ग्रास्प करना चाहती है. इसका जो ऑटोनोमस फंक्शन है उसको मतलब ऑल्टर करना चाहती है और सरकार इस पर पूरी तरह से ग्रास्प लेना चाहती है. द कॉर्पोरेटाइजेशन विल रिजल्ट इन द कन्वर्जन ऑफ द ओएफबी इनटू फुल्ली 100% गवर्नमेंट ओन एंटिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट लाइक अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. तो ये कॉर्पोरेटाइजेशन का जो मूव है, इसके बाद ये 100% जो है वो गवर्नमेंट द्वारा ओन किया जाएगा और ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाइक पीएसयू, लाइक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस तरह से ये बन जाएगा. तो इस पर सरकार का होल्ड पूरी तरह से हो जाएगा. जो सरकार जिस तरह के सर्कुलर्स बनाएगी, जो रूल्स बनाएगी, अगर किसी एम्प्लॉय को निकालना भी, किसी मतलब क्या, किसी क्षेत्र के, चाहे वो ग्रेड 3 के एम्प्लॉयज़ हो वो कम करना हो, या फिर ग्रेड 2 के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हाइक करनी हो या बढ़ाना हो, कम करना हो, ये सब सरकार डिसाइड करेगी सोलली, क्योंकि 100% जो है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा और ये पूरी तरह से पीएसयू में कन्वर्ट हो जाएगा वंस ये कॉर्पोरेटाइजेशन जो है वो वैलिड हो जाता है. अब हम बात करेंगे कि क्यों सरकार ने ये डिसीजन लिया कि कॉर्पोरेटाइज करेंगे ओएफबी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को. सबसे पहला कि उनको सेटिस्फाइड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था. तो सीएजी ने जो रिपोर्ट दिया था उसके हिसाब से जो डिलेड प्रोडक्शन हो रही थी, जितना सरकार पैसे दे रही थी उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रहा था. और अगेन अभी आपने देखा ही होगा कुछ महीने पहले आत्मनिर्भर भारत हुआ था, तो आत्मनिर्भर भारत की घोषणा करी थी मोदी जी ने, जहाँ पे हम लोगों ने बताया हुआ था, सरकार ने बताया हुआ था कि जितना हो सके हम लोग इंडिजिनियसली डेवलप चीज़ें जो है वो बनाएंगे. तो यहाँ पे जब सीएजी ने रिपोर्ट दिया कि भाई देखो यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस जो है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू द मार्क, इज़ बिलो द मार्क, क्योंकि उनको जो जितने पैसे अलॉट किए जा रहे हैं उस रेट पे काम नहीं किया जा रहा है, तो इसीलिए सरकार ने कहा कि भाई ऐसे काम तो नहीं हो रहा है तुम लोगों से, तो वी हैव टू बी द रेगुलेटर. तो इसीलिए सरकार ने डिसाइड किया कि अब जो हम लोग आत्मनिर्भर भारत का डिसीजन लिया हुआ है, अब हमको जो डिफेंस सिस्टम पे और ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा, सब कुछ, सारे मिसाइल सब कुछ हम खुद को बनाना पड़ेगा, ना कि इम्पोर्ट करेंगे, तो इसीलिए ऑर्डिनेंस पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. तो यही सोच के सरकार ने इसको कॉर्पोरेटाइज करने का या पूरी तरह से रेगुलेट करने का, अपने अंदर अपने कंट्रोल में लेने का सोचा है. अब इसके लिए जो ट्रेड यूनियंस है उन्होंने अप्रीहेंशंस यानी जो ऑब्जेक्शंस है क्यों जताई है वो भी हम डिस्कस करेंगे.
सबसे पहला बात जो उन्होंने बताया है, जो एप्रीहेंशन वाली बात है, कि देखो यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही है कि बहुत सारे PSUs को डिसइन्वेस्टमेंट करके उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो वंस गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक तरह से खरीद लिया, एक तरह से गवर्नमेंट ने पूरी तरह से 100% मतलब ले लिया, गवर्नमेंट ने पूरी 100% उस पर कंट्रोल कर लिया। तो अभी तो आपको पता ही है हमारी इकोनॉमी की हालत क्या ही है। अब तो क्या ही मैं बताऊँ, हम लोग की जो दरिद्रता है वो कितनी सीमा में हो रही है सरकार की। तो कोई क्या गारंटी है कि सरकार इसको बेचेगी नहीं, प्राइवेटाइज नहीं करेगी और डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, जहाँ पे बहुत सारे PSU जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट की ओर सरकार कर रही है टू फंड द इकोनॉमी, टू फ्यूल द इकोनॉमी। तो क्या गारंटी है कि सरकार जो इस पर अपना होल्ड करने के बाद प्राइवेटाइज नहीं करेगी? तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो ट्रेड यूनियन का है कि दे आर अफ्रेड कि कहीं ये सरकार के अंडर में जाके ये प्राइवेटाइज ना हो जाए पूरी तरह से। उसके बाद अगर एक नया एंटिटी उस बरसों से चली आई प्रथा को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को, बोर्ड को चलाएगी, तो उनके चलाने दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड विद द फ्लो, क्योंकि इस टाइम पे हमें बहुत एफिशिएंसी से अपना जो वेपन्स है वो बनाना है एंड ऑल दैट। और अगर नई एंटिटी आएगी उनको समझने में ही टाइम लग जाएगा, सरकार अगर आएगी उनको सर्कुलर्स बनाने में टाइम लग जाएगा, उनको समझने में टाइम लग जाएगा, एंड दैट वुड कॉस्ट अ डिले, एंड डिले मतलब वी कैन नॉट अफोर्ड अ डिले राइट नाउ। एंड थर्ड, इट वुड कॉज ग्रेट जॉब लॉस। क्या गारंटी है कि सरकार उन्हीं एम्प्लॉयज़ को वही सैलरी देगी जो अभी तक आती आ रही है? सरकार ने अगर बोला कि नहीं अभी हमारे पास पैसे नहीं है तो जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको निकाल रहे हैं, बहुत सारे PSUs में निकाला हुआ है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को, नहीं रखने की जगह है, तो इट वुड रिजल्ट इन अ जॉब लॉस ऑफ मेनी एम्प्लॉयज़। परमानेंट है वो लोग तो रहेंगे, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल है उनकी तो जॉब चली जाएगी। तो ये भी एक पॉइंट है ऑब्जेक्शन का जो ट्रेड यूनियंस है उनका, इस वजह से वो लोग ऑब्जेक्शन जता रहे हैं। तो चलिए अब देखेंगे क्या सरकार उनके ऑब्जेक्शंस को कोई मतलब ग्रांट लेती है या नहीं लेती है, ये तो आगे की न्यूज़ में पता चलेगा। तो ये हमारे वीडियो का एंड, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।